देवघर 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 20 मोबाइल, 39 सिम कार्ड और 3 एटीएम कार्ड बरामद। देवघर जिला के साइबर थाना की पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी ने बताया कि साइबर थाना की पुलिस ने पथरौल थाना क्षेत्र के चेतनारी और पालाजोरी थाना क्षेत्र के मकरकेंदा गांव से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार और 2 नाबालिग को निरुद्ध किया है। इन साइबर अपराधियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 39 सिम कार्ड और 3 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में 28 वर्षीय अजहरुद्दीन अंसारी, 26 वर्षीय रज्जाक अंसारी, 27 वर्षीय सरफराज अंसारी, 19 वर्षीय मिनहाज अंसारी, 25 वर्षीय इकबाल अंसारी, 30 वर्षीय अमीरुल अंसारी, 28 वर्षीय सद्दाम अंसारी, 34 वर्षीय आशिक हुसैन, 24 वर्षीय शमशेर अंसारी और 24 वर्षीय रिजवान अंसारी का नाम शामिल है। इसके साथ ही 2 नाबालिग को भी इस मामले में निरुद्ध किया गया है। साइबर डीएसपी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार इकबाल अंसारी और अमीरुल अंसारी का आपराधिक इतिहास रहा है। उन दोनों पर साइबर थाना में पहले से साइबर ठगी का मामला दर्ज है। उस मामले में दोनों को जेल भेजा गया था और अभी जमानत पर बाहर थे। साइबर डीएसपी ने जानकारी दी कि इन साइबर अपराधियों द्वारा साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। साइबर अपराधी आम लोगों को बैंक के अधिकारी बन फोन करते थे और उनसे आधार नंबर और पैन नंबर लेकर ऑनलाइन अकाउंट खोलकर उस पर साइबर ठगी का पैसा मंगाते थे। इसके अलावे फोन पे कस्टमर को कैशबैक का रिक्वेस्ट भेजकर अन्य ई वॉलेट के माध्यम से ठगी की जाती थी। इसके साथ ही ड्रीम 11, रम्मी और 3 पत्ती गेम के माध्यम से भी साइबर ठगी की जाती थी। साइबर अपराधी गूगल सर्च इंजन का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को लॉटरी का प्रलोभन देकर पैसों की ठगी करते थे। साथ ही ये साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका एटीएम बंद होने वाला है। इसके अलावा केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर भी ठगी की जाती है। इन अपराधियों द्वारा साइबर ठगी के लिए गूगल पे का भी सहारा लिया जाता था।